नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का खास शो एमएनएस एक्सप्रेस। हम इस समय मौजूद है मलाड वेस्ट में, लिबर्टी गार्डन का ये एरिया जकेरिया रोड का। यहां पर एक कुदरती उपचार केंद्र की शुरुआत हुई है, ध्रुवी चिकित्सा केंद्र। ये यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा और अलग अलग पैथी के जरिए लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। साथ में दो दिन का मतलब इस तरह का फ्री भी मेडिकल कैंप होगा और काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ के ट्रस्टी हैं जयकांत हिरानी जी, वो समाज सेवक हैं एरिया के और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो आज उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे, आज जो ये सेंटर ओपनिंग हुआ है इसके बारे में बताइए। जो ये सेंटर ओपनिंग हो रहा है वो डॉक्टर साहब ने मेरे को अभी कल ये टाइम पे रिक्शा में मेरे साथ था, मैंने बोला कि आप ये ओपनिंग कर रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले, ये बोला कि भाई जी हमारा तलक सिंह भाई जी हमारा वडील है, उसको मैंने बात किया और तलक सिंह भाई ने एक मिनट में हमको बोल दिया कि भाई ये मेरा पूरा जगह मैं देता हूँ, आज कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, लेकिन मेरे को मंदिर बनाने का, लेकिन तो अभी राम मंदिर बनेगा तो जमीन होएगा तो राम मंदिर बनेगा, अगर तलक सिंह भाई जैसा डोनर ये जगह का दान करेगा तो ही ये चिकित्सा ध्रुवी चिकित्सा केंद्र बनेगा और सब लोग आके उसमें जो उपाय करने का है नेचुरल और फ्री में, दो दिन का कैंप है सब फ्री में कर रहे हैं, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में जो डॉक्टर साहब है, चार टीम है डॉक्टर साहब की और माधुरी बहन है, सब लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा तो मेरे को दो दिन ही हुआ है इसके साथ जुड़े हुए हैं तो भी इतना परिचय मैंने ले लिया है। ए मुकेश भाई आए हैं और बोरीवली से जो कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता है, महावीर क्लिनिक जैन वर्धाना वासी, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता देख प्रमुख है, ये जैन संघ का प्रमुख हूँ। हाँ। और ये मेरे साथ हमारे ट्रस्टी है भावेश भाई है, गौतम भाई है, नरेश भाई है, जयंत भाई है और जो काका का पिताजी था उमर सिंह बापा, आज से 60 साल पहले जब भी हमारे पास कुछ नहीं था तभी ये 60 साल पहले उमर सिंह बापा ने 11,000 रुपया में जमीन लिया, 11,000 रुपया में से आज 1,026 मीटर का प्लॉट है हमारा, 5,000 स्क्वायर फीट का हमारा हॉल है। अभी धर्मकर्णी सब लोग चालू है, अभी लॉकडाउन की वजह से आप समझ रहे हो कि लॉकडाउन की वजह से किसी को आने की इजाजत नहीं है। जगह मुंबई जैसे शहर में जगह का बड़ा महत्व है और ये जो जगह जिन्होंने मुहैया करवाई है हम उनसे बात करेंगे कि ये जगह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो लोग तो समाज सेवा के लिए डॉक्टर से ये अलग अलग थेरेपी करने वाले मिल जाते हैं लेकिन जगह बड़ी कीमती होती मुंबई में, क्या कहेंगे इस बारे में जो आपने दी? बस हमारा मन में हुआ, हम लोग ये ट्रीटमेंट सीखा है तो बोला हम लोग इसका सेवा कर सके, हमारी लाइफ में इसीलिए चालू किया जी। देखो आप देख सकते हैं जो स्वभाव उदार मन के होते हैं वो बहुत कम शब्द बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे मन में हुआ और मैंने कर दिया। हमारे साथ महावीर क्लिनिक से जुड़े हुए समाज सेविक दोषी भावेश भाई दोषी जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं और ये पूरी जो संस्था है ये तो क्लिनिक ये प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए तो काम कर रही है लेकिन आपने कोरोना जो संकट काल में आपके जो एरिया में मलाड गोरेगांव जहाँ जहाँ आपने क्या क्या काम किया जरा बताएंगे तो लोगों को एक मैसेज जाए। अपना करीबन 23 मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ, मैं और जेकन भाई हमारे आदर्श है, हमारे लैम्प पोस्ट गाइड है तो उनके जरिए हमने काफ़ी कुछ काम किया। 25 तारीख को हम सीधा मलाड पुलिस स्टेशन ईस्ट वेस्ट में गए, वहाँ पे तभी जब भी लॉकडाउन होने के बाद जब भी गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि अभी मास्क पहनना कंपलसरी है, सैनिटाइजेशन करना कंपलसरी है तो ये सब सुविधा पुलिस स्टेशन में भी नहीं पहुँची थी। जो कायदा का पालन करने वाले हैं आज उनको रोड पर चौके पर खड़ा रहना था फिर भी उनके पास नहीं था तो हमने जाके वो बड़ी मात्रा में वो सब उपलब्ध करवाया उनको। और यहाँ पे जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड की किट है वो निरंतर हमारे उपाश्रय से हर संडे को जाती है, कोई भी हर रोज जाती है और कोई भी भेदभाव के बिना कोई भी समाज का कोई प्रूफ देने का नहीं है, जिसको जरूरत है वो आए व्यवस्थित लाइन में खड़ा रहे और लेके जाओ। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो अपना पुलिस स्टेशन में जब 26 तारीख को सबको ड्यूटी पे लगा दिया गवर्नमेंट ने कि भाई आपका ये इधर नाकाबंदी होएगा, आपका ड्यूटी इधर होएगा तो सबको हमने बोल दिया। ये हमारा जयंत भाई की बिल्डिंग में 1,000 पानी का बोतल लाता था हम लोग, वो पानी का बोतल हर रोज सुबह 10 बजे पुलिस वाला सब लोग आते थे हमारे पास से पानी का बोतल लेके जाते थे, नाश्ता की व्यवस्था जो हमारे में खाखरा गाठिया मेन है गुजराती लोगों में तो खाखरा गाठिया सब नाश्ता हर दिन हमने पहुँचाया। और बाद में ऐसा हुआ 15 दिन के बाद मेरे को मालूम हुआ कि आदर्श में जो नाकाबंदी हो रहा है
तो रात को उसको पानी का और चाय का बहुत तकलीफ है। तो मैंने बोला कैसे आपको क्या तकलीफ है बोलो, मैं करवा देता हूँ। मेरा लड़का जिग्नेश हिरानी है, वो जो पूरा ये गवर्नमेंट में सब जगह उसको पहचानता है सब लोग। उसने बोला कि पापा मैं रात को 2 बजे जाऊँगा और सबको चाय नाश्ता पूरा एरिया में सब पुलिस वाले जो भी नाकाबंदी है उसमें सब पहुँचाएगा। सबको किट दिया, हमारे पास बहुत फोटो है वो पुलिस वाले। हर रोज जाके इधर हमारे उपाश्री में आता था, और ये एरिया में समझो कि इधर लॉकडाउन है तो इधर नाकाबंदी किया, तो रात को 12 बजे चाय किधर मिलेगा। तो मैंने उसको बोला हमारा जैन मंदिर है, मेरा आदमी 24 घंटा उधर बैठता है, आप उसके पास आ जाओ, चाय नाश्ता रात को 12 बजे भी आपको मिलेगा। और आज तक अभी टुडे आज तक मैं पहुँचाता हूँ, सब चालू है। बिल्कुल, पहला जो 24 मार्च को हमारे देश के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, लेकिन ऐसे समाज सेवी लोग जो भूखे को भोजन कराना बड़ा ही परोपकार का और बड़ा पुण्य का काम है। भूखे को तो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवा रहे, साथ ही जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी उनको भी सुविधा मुहैया करवा रहे। हम जानते हैं ये जो बेहतरीन काम कर रहे हैं ये तो सामाजिक कार्यकर्ता ट्रस्टी हैं, बड़े उदार मन के हैं, लेकिन ये इनकी टीम में जो डॉक्टर्स हैं मतलब एक्सपर्ट जो नेचुरोपैथी के अलग अलग हैं, वो यहाँ पर क्या सुविधा होगी और कैसे आप सब तमाम लोग जो देखेंगे इसको ऑनलाइन तो वो कैसे ले सकते हैं ये जानेंगे, क्या क्या सुविधा होगी यहाँ पर, यहाँ पर प्रॉब्लम से इलाज, सभी प्रकार का जो भी प्रॉब्लम है शरीर में उनका पूरा पूरा इलाज सही तरह से होगा। कुछ कलर्स है, एक्यूप्रेशर है, सीड थेरेपी बोलते हैं, उनको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और ये कुदरती और नेचुरल मेथड ऐसा है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन कुछ नहीं होता है, एकदम 100% सेफ और एकदम मस्त ट्रीटमेंट है ये। सुजोग थेरेपी, अल्कालाइन पानी से काफ़ी सारे पद्धति से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं इसमें, अलग अलग जिसको जो सुविधा अच्छी लगे वो सुविधा उन लोग सामने से बोलते थे कि हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसा है कि प्रकृति ने सब अपना सब उपचार परोसा हुआ है, हाँ। लेकिन लोग भागते लोग नहीं है, लोग डॉक्टर्स के और हमारे में अभी बहुत जन डरे हुए हैं और हम लोग सामने से आ रहे हैं कि आप इलाज करो, डरो मत, हम लोग सामने से आने को तैयार है। लेकिन कुछ कुछ माइंड में ऐसा भरा है कि और फैलेगा, हम लोग सामने से कॉन्फिडेंस से आते हैं और हम लोग को बहुत शौक है इस प्राकृतिक चिकित्सा पे। लोग विश्वास कर रहे हैं, क्या कहें, विश्वास कुछ जन कर रहे हैं, कुछ जन नहीं कर रहे, कुछ जन को अमुक जन को मालूम नहीं है क्या है। तो आपने अभी तक कितने मरीजों को जो दो बहुत सारी बीमारियां कठिन बीमारियां होती है, असाध्य होती है, उनको कैसे ठीक किया है? ये उपचार द्वारा और जितने भी जूनी बीमारी उसमें लाभ 100% मिल रहा है। ल्यूकोडर्मा, बड़ी बड़ी पैरालिसिस, पार्किंसन, जो भी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सब तरह का हम लोग इलाज किया हुआ है। बिल्कुल, पैरालाइज हो, ल्यूक्रोमा हो या ब्रीथिंग की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से इस कोरोना संकट काल में या पहले भी ये लोग ठीक करते आ रहे हैं। ब्रेन की खास ब्रेन रिलेटेड जो अंदर संक्रमित हुए टेंशन वो सब डिप्रेशन वो सब ठीक होता है। डिप्रेशन हो या ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो ऐसे, ये क्योंकि अवसाद का समय है, पिछले 3-4 महीने से जो संकट काल है कोरोना का उसमें निश्चित ही अवसाद आता है, अवसाद के रहते हुए डिप्रेशन आता है, तो और उस वजह से ये तमाम ये इलाज आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये जकेरिया रोड पे ध्रुवी चिकित्सा केंद्र है, ये प्राकृतिक तरीके से इलाज करते हैं, तमाम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ काबिल है, और ऐसा ही काम करते रहे और ऐसे लोग इस पर विश्वास करें प्राकृतिक चिकित्सा पर और लोग यहाँ पर इलाज करने जाएं। ये फ्री भी चिकित्सा केंद्र कैंप लगाते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर जरूर शेयर स्क्रीन पर करूँगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हो और ऐसे सामाजिक और परोपकारी लोगों से जुड़ सकते हैं। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन डिंपल शर्मा के साथ MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस, मुंबई।